हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है डेमो इंडिया। आज डेमो के देने के लिए एक एम्पलीफायर लेके आया हूँ। ये 600 वाट का एम्पलीफायर है। ये 600 आरएमएस का ये वाला एम्पलीफायर लेके आया हूँ। इस वाला एम्पलीफायर का डेमो देखेंगे, क्या क्या है दिया गया है ये भी देखेंगे। इस पे क्या क्या सिस्टम है वो भी चेक कर लेंगे, और मैं इसको चला के भी देखूँगा। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, पहले आगे फ्रंट साइड पे देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो फ्रंट साइड दिया गया है, इसका फ्रंट साइड पे देखिए तीन चार स्विच दिया गया है। एक तो ऑन ऑफ का जो हमारा यूएसबी का स्विच होता है ये दिया गया है, और दूसरा जो होता है हमारा एफएम यूएसबी का जो ऑडियो होता है वो ऑडियो को कनेक्ट करने के लिए, और तीसरा लाइन इनपुट जो ऑक्स इनपुट होता है उसके लिए, और चौथा जो दिया गया है वो भी इनपुट के लिए। दोस्तों, और जो दिया गया है एक पावर इंडिकेटर और तीन इंडिकेटर देख रहा है। इसको इसके लिए क्या क्या सिस्टम दिया गया है, एक तो हमारा स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारा पावर जो पीसीबी है और उसका वोल्टेज जाने के बाद हमारा जो ऑडियो पीसीबी जब ऑन होगा तब ए वाला पावर इंडिकेटर जलेगा। उसके बाद जो ऑटो कट होता है, जो हमारा स्पीकर का ओवरलोड जो बोला जाता है, वो ओवरलोड के लिए ए वाला इंडिकेटर दिया गया है। और तीसरा जो इंडिकेटर दिया गया है, जब हमारा स्पीकर ऑन होगा, ऑन होने के बाद वो आवाज़ देने शुरू कर देगा, तब ए वाला इंडिकेटर ग्लो करेगा। मैं बजा के भी आप लोगों को चला के भी दिखा दूंगा। उसके बाद एक दिया गया है, दो हमारा लेवल दिया गया है, साउंड का लेवल जो होता है, साउंड लेवल इंडिकेटर वो भी दिया गया है। उसके बाद दिया गया है दो माइक्रोफोन, और इस पे दिख रहा है एक हमारा यूएसबी पीसीबी दिया गया है, यूएसबी मॉड्यूल दिया गया है, और यूएसबी मॉड्यूल पे खासियत क्या है वो भी बताऊंगा। और ये माइक्रोफोन हमारा ये यूएसबी पीसीबी से ही कनेक्टेड है, और इस पे दिया गया है बेस टेबल वॉल्यूम जो बैलेंस बोला जाता है। दोस्तों, इसका जो ये वाला जो हमारा यूएसबी मॉड्यूल है, ये वाला यूएसबी मॉड्यूल पे एक खासियत है, इस पे हमारा एक वॉल्यूम मिल जाता है। उस वॉल्यूम पे हमारा बेस टेबल और वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, और माइक्रोफोन ऑन और इको भी मिल जाता है। इसके लिए ये वाला माइक्रोफोन हमारा ये यूएसबी मॉड्यूल से कनेक्टेड है, और ये वाला वॉल्यूम इसके कंट्रोल में करता है, जो साउंड को भी कंट्रोल ले लेता है, और बेस टेबल बढ़ाता है, और इस पे इको भी होता है, और इस पे हमारा वॉल्यूम जो हमारा माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम होता है ये भी कंट्रोल में लेता है। ये वॉल्यूम ये बैलेंस के लिए नहीं दिया गया है। मैं ये कैबिनेट कुछ अलग है, और मैं फिटिंग किया है कुछ अलग। और दोस्तों, ये लाउड के लिए हमारा स्विच दिया गया है, और ये हमारा मास्टर वॉल्यूम। ये मास्टर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लगाया गया है, और इस पे हमारा एक पावर स्विच मिल जाता है। ठीक है, हमारा तो फ्रंट साइड तो हो गया है, और फ्रंट साइड होने के बाद मैं देखूँगा पीछे साइड पर क्या क्या दिया गया है। मैं इसको घुमा लेता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा वेट वाला है हमारा एम्पलीफायर है, मिनिमम हमारा 12 किलो 14 किलो का हो जाएगा। और इस पे दिख रहा है हमारा दो फ्यूज दिया गया है, जो हमारा न्यूट्रल फेज इनपुट होता है, और न्यूट्रल फेज को काट करने के लिए हमारा दो फ्यूज दिया गया है। और इस पे दिया गया है दो स्पीकर सॉकेट, ये हमारे डेमो के लिए दो स्पीकर सॉकेट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पे हमारा जो 12 इंच का स्पीकर 18 इंच का स्पीकर जब बजाएगा तो ये बड़ा स्पीकर जल जाएगा, इसीलिए दो टर्मिनल दिया गया है, जो टर्मिनल पे हमारा स्पीकर का वायर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का टर्मिनल दिया गया है, और इस पे कूलिंग फैन दिया गया है दो, जो हमारा लेफ्ट राइट का दो हमारा कूलिंग फैन दिया गया है। बहुत अच्छे तरह से हमारा जो अंदर में पार्ट्स होगा वो पार्ट्स को अच्छी तरह से ठंडा रखेगा, और इस पे ज़्यादा हीट नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है हमारा आउटपुट इनपुट सॉकेट, जो हमारा 6 टर्मिनल का हमारा सॉकेट दिया गया है। इस पे हमारा एक साइड हमारा ऑक्स किया गया है, और दूसरा साइड हमारा यूएसबी जो हमारा मॉड्यूल लगाया है वो यूएसबी का ऑडियो निकलने के लिए एक पास कनेक्ट किया गया है। और दोस्तों, ये दो ऑक्स ये दो माइक्रोफोन का सॉकेट मिल जाता है। ये दोस्तों माइक्रोफोन का सॉकेट है, लेकिन इस पे ऑक्स इनपुट है, और इस पे हमारा यूएसबी का आउटपुट है। ठीक है, हमारा पीछे साइड भी हो गया है। दोस्तों, क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कैसे मैं फिटिंग किया हूँ इस कैबिनेट को, और कैसे क्वालिटी का पार्ट्स दिया गया है वो देख लेते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने एम्पलीफायर का सभी का स्क्रू खोल चुका हूँ, और खोलने के बाद मैंने ओपन करता हूँ, और इसको ओपन करके रख लेता हूँ। और दोस्तों, अंदर में देखिए क्या क्या सिस्टम दिया गया है।
एक तो दोस्तों हमारा 600 आरएमएस का हमारा ये वाला पीसीबी जो ऑडियो पीसीबी है, ऑडियो बोर्ड बोला जाता है, और ये पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस पे जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन भी दिया गया है, पूरे तरह से सिस्टम रेडी है। और इस पे हमारा दिया गया है एक हमारा ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर पे हमारा ये ट्रांसफार्मर हमारा 15015 12012 और हमारा 012 का ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारा 15 एम्पियर का आउटपुट देता है, जो हमारा फिर ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट दिया गया है, आउटपुट पे हमारा 15015 का हमारा 15 एम्पियर का हमारा ये ट्रांसफार्मर दिया गया है, और 12012 और हमारा 012 जो दिया गया है, ये हमारा 3 एम्पियर का आउटपुट दिया गया है। और ये जो लाल वाला वायर देख सकते हैं, ये लाल वाला वायर हमारा एसी के लिए कनेक्टेड है। दोस्तों देखिए, मैं जो एसी का जो पावर कॉल लगाया हूँ, पावर कॉल लगाने के बाद मैंने न्यूट्रल फेज दोनों को हमारा फ्यूज सॉकेट पे कनेक्ट किया हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैंने दोनों स्विच को ही न्यूट्रल फेज को हम मैं स्विच पे कनेक्ट कर काट कर चुका हूँ, काट करके ओपन कर सकता हूँ। और अब ऑन करने के बाद हमारा ट्रांसफार्मर पावर सेक्शन पावर मिल जाता है, जो हमारा 220 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट होता है, वो मिल जाता है। उसके बाद आउटपुट के बाद हमारा ए वाला जो सेक्शन देख सकते हैं, ए वाला सेक्शन हमारा 15015 हमारा जो आउटपुट निकल रहा था, वो वाला वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी पे, और डीसी पे कन्वर्ट करने के बाद हमारा इस पे मिल जाता है हमारा एक रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। और डीसी पे कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये इस पे 6 कैपेसिटर लगा सकते थे, लेकिन मैं इस पे 4 कैपेसिटर लगाया हूँ। और लगाने के बाद इस पे मिल जाता है हमारा 3 वोल्टेज, एक तो हमारा -15 मिल जाता है, और नीला वाला जो वायर है ये हमारा ग्राउंड है, और ये वाला वायर हमारा +15 मिल जाता है। हमारा जो ऑडियो पीसीबी लगाया है, ऑडियो बोर्ड लगाया है, इस पे हमारा 3 वोल्टेज जरूरी होता है, एक हमारा -15 +15 और ग्राउंड। इस पे देख सकते हैं 3 कनेक्टर लगाया है। उसके बाद हमारा स्पीकर आउट पे देख सकते हैं, हमारा ये वाला वायर लगाया है, जो मोटा वाला वायर 2.5 लगाया हूँ, और इस पे कनेक्ट करने के बाद मैं टर्मिनल से कनेक्ट कर चुका हूँ, जो हमारा स्पीकर आउटपुट देगा। उसके बाद दिखाता हूँ जो हमारा 12012 और 012, इसके लिए मैंने एक अलग से मैं एक पावर डीसी कन्वर्टर बनाया है, जो इस पे बनाता है हमारा -12 +12 और ग्राउंड, हमारा 3 वोल्टेज इस पे बनता है, जो 12012 से। इस पे बनने के बाद हमारा आता है ए वाला जो हमारा ऑडियो बोर्ड है, ऑडियो पीसीबी पे आ जाता है, और ऑडियो पीसीबी पे आने के बाद हमारा इस पे वोल्टेज मिल जाता है। देखिए इस पे लिखा हुआ है 15015, हमारा मिल जाता है +15 -15 और ये वाला 0 वोल्टेज जो ग्राउंड होता है, वो तो मिल जाता है। फिर ये वाला पीसीबी रन करना शुरू कर देता है, और जो 012 जो मिल जाता है, जो 012 जो एसी मिल रहा था, इस पे भी मैंने इस पे कन्वर्टर कन्वर्ट किया हूँ डीसी पे, और डीसी पे कन्वर्ट करने के बाद इस पे मिल जाता है 012। और 012 कहाँ से कनेक्ट है, कहाँ पे कनेक्ट है, जो हमारा कूलिंग फैन दिया गया है, कूलिंग फैन पे हमारा दिया गया है 012। और जो इस पे देख सकते हैं रेगुलेटर ट्रांजिस्टर आईसी लगाया गया है, जो 7805 का हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर हमारा वोल्टेज सप्लाई करता है ये वाला यूएसबी पीसीबी को, जो हमारा 5 वोल्ट से रन करता है। और ये वाला जो मॉसफेट सॉरी आईसी जो है, जो रेगुलेटर आईसी कहा जाता है, उस पे काट आउट करने के लिए मैंने एक स्विच लगा दिया हूँ, जो हमारा जो यूएसबी जरूरत नहीं है, मैं ऑक्स से चलाऊंगा तब ये वाला ऑफ करके अब मैं ये यूएसबी को ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद मिल जाता है इस पे जो यूएसबी पीसीबी के लिए बता रहा था, ये यूएसबी पीसीबी जो है, मैंने इस पे माइक्रोफोन सिस्टम लगाया हूँ, और इस पे बेस टेबल कनेक्टर भी लगा चुका हूँ, ये वाला वॉल्यूम हमारे बेस टेबल भी काम करेगा। और तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पावर इंडिकेटर, जो हमारा स्पीकर लेवल होता है, वो स्पीकर लेवल भी लगा चुका हूँ।
और कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो हमारा एक तो हमारा ये 600 RMS का हमारा ऑडियो पीसी ऑडियो बोर्ड लगा चुका हूँ, और इस पे मैं 15 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर लगा चुका हूँ, इस पे बेस स्टेबल कंट्रोल का वॉल्यूम कंट्रोल का मैं एक पीसीबी लगा चुका हूँ, और इस पे कॉन्वर्टर DC to DC AC टू DC कॉन्वर्टर है, और दूसरा भी AC टू DC कॉन्वर्टर है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये वाला। और इस पे मैं आउटपुट कर चुका हूँ, ये देखिए, एक साइड पे मैंने USB का जो ऑडियो आउटपुट हो रहा था उस पे कनेक्ट कर चुका हूँ दोनों साइड पे, और इस पे ऑक्स का इनपुट दिया गया है जो इस पे ऑडियो इनपुट लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर चुका हूँ, देख सकते हैं स्पीकर वायर कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इस पे कनेक्ट कर दूंगा AC, और AC कनेक्ट करने के बाद देखिए मैं AC को इन कर चुका हूँ, और इन करने के बाद मैं पावर दबाता हूँ, पावर दबाने के बाद हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर जल जाता है, और थोड़ा देर के बाद ये वाला इंडिकेटर जलता है। मैं फिर से ऑफ करता हूँ दोस्तों, मैं सिस्टम को फिर से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद देखिए मेरा डायरेक्ट इंडिकेटर है, और थोड़ी देर के बाद ये इंडिकेटर जल रहा है, क्योंकि इस पे हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन कनेक्शन है, एक रिले लगाया हुआ है, वो रिले हमारा सिस्टम को डायरेक्ट नहीं ऑन करेगा, थोड़ी देर के बाद ऑन करेगा, और ऑन करने के बाद इस पे हमारा पावर इंडिकेटर जलेगा, और जलने के बाद मैं जब ये पावर स्विच को दबाऊंगा, USB ऑन ऑफ स्विच जो लिखा हुआ है इस पे, जब मैं इसको दबाऊंगा तो हमारा USB पे पावर आ जाएगा, और USB पे पावर आ जाने के बाद ये BT कनेक्शन पे है, और BT पे आने के बाद मेरा जो मोबाइल होगा, बी देने के बाद हमारा जो हमारा USB मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद हमारा जो मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा उस पे ब्लूटूथ कनेक्शन से मैं इस सिस्टम को चला सकता हूँ, और चाहे इस पे हमारा दो माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया है, मैं माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और इस पे चला के दिखाता हूँ कितना अच्छा साउंड आएगा। दोस्तों मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट कर चुका हूँ, फिर से मैं TV जो हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर को पावर दे देता हूँ, और पावर देने के बाद हमारा ब्लूटूथ भी ऑन हो चुका है, और हमारा ऑडियो बोर्ड भी ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं इसको माइक्रोफोन के ऑडियो भी चेक कर लेता हूँ दोस्तों, ये माइक्रोफोन को मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हेलो 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 दोस्तों, इस पे हमारा जो इको कनेक्शन है, इको कनेक्शन पे हमारा जो ई लिखा आ रहा है E6, इसको अप डाउन कर सकते हैं, इको को बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, देख सकते हैं हमारा अप डाउन कर रहा है, और इस पे हमारा इको भी आने के बाद ये जो मास्टर वॉल्यूम दिया गया है इस पे जो, सॉरी दोस्तों, मास्टर वॉल्यूम नहीं है, ये मास्टर वॉल्यूम है, और इस पे जो USB का जो वॉल्यूम दिया गया है, ये वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, और इस पे दिया गया है हमारा बेस टेबल टेबल देख सकते हैं, इस पे हमारा इको का भी लेवल दिया गया है, इको अप डाउन कर सकते हैं, और इस पे वॉल्यूम जो माइक्रोफोन का वॉल्यूम होता है ये भी दिया गया है, मतलब ये हमारा 4-in-1 काम कर रहा है, और ये माइक्रोफोन काम कर रहा है हमारे USB PCB से, हमारा ऑडियो PCB से डायरेक्ट नहीं है, ये हमारा जो USB PCB है, USB PCB से ही हमारा माइक्रोफोन कनेक्टेड है, और हमारा ये वॉल्यूम भी कनेक्टेड है। उसके बाद बेस टेबल तो आप लोग देख सकते हैं इस वाला PCB से कनेक्टेड है, मैं इस पे एक ऑडियो बजाता हूँ जो हमारा नॉन कॉपीराइट साउंड होगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो कॉपीराइट पे नहीं आए, इसीलिए मैं इस पे करूँगा, देख सकते हैं मैं ये नॉन कॉपीराइट का साउंड का कनेक्ट कर चुका हूँ। और कितनी अच्छी तरह से साउंड आ रहा है, और मैं आप लोगों को बॉक्स भी दिखा देता हूं, मैंने 3 बॉक्स को कनेक्ट कर चुका हूं, सभी है हमारा 12 इंच का है, और 100 वाट 120 वाट का हमारा स्पीकर लगाया हुआ है, 3 बॉक्स लगा चुका हूं, इस पे आप 6 बॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद बहुत अच्छा साउंड भी आएगा,
और आप लोग बेस स्टेबल को कंट्रोल पे लेके आप लोग साउंड को अच्छी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आज का जो डेमो के लिए लेके आया था ये हमारा 600 जो वाट का हमारा एक एम्पलीफायर है, और ये एम्पलीफायर पे क्या क्या मैं कनेक्ट किया हूँ वो भी दिखाने के लिए डेमो दे रहा था। मतलब दोस्तों इस पे बहुत अच्छी तरह से ऑडियो निकलने के साथ हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक्रोफोन मिल जाता है, और माइक्रोफोन पे कनेक्ट करने के बाद इस पे इको भी मिल जाता है, और इको मिलने के बाद आप लोग इस पे जो हमारा कैसेट प्लेयर होता है जो बोला जाता है वो गाना भी गा सकते हैं या साउंड भी बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो 3 स्पीकर लगाया हुआ है इस पे 6 स्पीकर लगा के आप लोग बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड मिल सकता है, और आप लोग इसका साउंड का आनंद भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डेमो के लिए आज मैं लेके आया था एक जो एम्पलीफायर, इसका डेमो दे चुका हूँ, आप लोग मार्केट में खरीद सकते हैं। मैं इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये वाला जो पार्ट्स है ये लूज पार्ट्स मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद मैंने एक एक पार्ट्स को जोड़ के ये एम्पलीफायर बनाया है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद एक एक चीज़ को जोड़ के ये एम्पलीफायर बनाया हूँ। आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके ये वाला सिस्टम को ऑर्डर करके आप लोग भी एम्पलीफायर बना सकते हैं, और एम्पलीफायर बना के आप लोग आनंद भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।